नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सुधीर एंड आपको मेरा चैनल डीआरएफ सुधीर फार्मासिस्ट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेविरिल सिरप के बारे में। दोस्तों ये जो लेविरिल सिरप होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इस दवाई को इंटेक करने के बाद उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, उसका साइड इफेक्ट एंड उसका फ्रिकेशन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें। दोस्तों लेविरिल सिरप जो होता है यह सस्पेंशन फॉर्म में पाया जाता है। लेविरिल सस्पेंशन इज ए हेपाटोप्रोटेक्टेंट यूज टू ट्रीट मील और मॉडरेट लीवर डिजीज। दोस्तों जो लेविरिल सिरप होता है ये एक हेपाटोप्रोटेक्टेंट यानी कि लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला दवाई होता है, लीवर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाला दवाई होता है। जो कम या उससे ज़्यादा लीवर डिजीज है तो इस दवाई को प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। इट इम्प्रूव लीवर फंक्शन। दोस्तों ये जो लिवरल सस्पेंशन यानी कि सिरप जो होता है ये हमारा लीवर का फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इट इज यूज्ड एज एन एडजुवेंट इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विथ हेपाटोटॉक्सिक ड्रग। दोस्तों जो हेपाटोटॉक्सिक ड्रग होता है, जो लीवर डैमेज करने वाला ड्रग होता है, वही ड्रग की एग्नेस्ट में ये वर्क करता है और हमारा लीवर को प्रोटेक्ट करता है लिवरल सिरप। ठीक है दोस्तों, ये लेविरिल सिरप इंटेक करने का फ़ायदा क्या क्या हो सकता है, मेडिकल बेनिफिट। यूज टू रिड्यूस लीवर टॉक्सिसिटी ड्यू टू ड्रग और अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ड्रग लेता है यानी कि कोई मेडिकेशन भी लेता है, जो लीवर कजिंग मेडिकेशन होता है, लीवर डैमेज मेडिकेशन होता है वो लेता है, या कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजप्शन करता है, लिक्विड का कंजप्शन करता है, तो उसी केस में क्या होता है, लीवर का डैमेज होने का चांसेस दिखाई देता है। तो उसी केस में इस जो दवाई को आप उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। यूज टू ट्रीट क्रोनिक और एक्यूट लीवर डिजीज। इसको उपयोग किया जाता है क्रोनिक या एक्यूट लीवर डिजीज में भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हेल्प द लीवर रेस्पॉन्ड बेटर अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मिला के बनाया होता है वो हमारा लीवर को रेस्पॉन्ड करने में सहायता करता है अगेंस्ट में, इन्फेक्शन की अगेंस्ट में हमारा लीवर को रेस्पॉन्ड करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा लेविरिल सिरप के बारे में एंड उसकी यूजेस के बारे में, मेडिकल बेनिफिट के बारे में। उसके बाद उसकी साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों उसकी साइड इफेक्ट में दिखाई देता है, मुख्य तौर में दिखाई देता है नाउजिया, स्टोमक ऑफसेट, ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट। ये जो साइड इफेक्ट है कुछ समय के बाद अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता है। अगर डिसअपीयर नहीं होता है तो आपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, प्रिकॉशन के बारे में बात करें। प्रिकॉशन के बारे में बात करने से पहले हम उसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक सस्पेंशन फॉर्म में होता है, तो इसको दवाई को उपयोग करने से पहले इसको सेक करना बहुत जरूरी होता है, इसको सेक करना अनिवार्य है। एंड एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो 10 ml पर डे दो बार दिन में खाना खाने के बाद इसको आप उपयोग कर सकते हैं 10 ml दो बार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसकी प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी दवाई आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो तो आप डॉक्टर का सलाह जरूर लें। इस दवाई के साथ अगर कोई दवाई उपयोग करना चाहते हो तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आप प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। एंड एक स्पेशल प्रिकॉशन ये होता है दोस्तों कि कोई भी दवाई अपने मन मर्जी से उपयोग ना करें, कोई भी दवाई उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे जय महाकाल।